ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत की खबर सामने आई है। क्रैश साइट पर रेस्क्यू टीम को हेलीकॉप्टर का मलबा मिल चुका है। हादसे में सभी लोगों के मारे जाने की आशंका है। हादसे की जगह पर राहत बचाव टीम को कुछ डेड बॉडीज भी मिली हैं। हेलीकॉप्टर में ईरान के विदेश मंत्री भी सवार थे। एक और बड़ी खबर आ रही है, ईरान में मोहम्मद मोखबर होंगे कार्यवाहक राष्ट्रपति। ये बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोखबर। 50 दिन के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव होगा। हेलीकॉप्टर हादसे में राष्ट्रपति रईसी इब्राहिम की मौत की खबर सामने आई है। रईसी की जगह मोहम्मद मोखबर संभालेंगे जिम्मेदारी। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये उन्हीं की है। बताया जा रहा है कि अब रईसी इब्राहिम की मौत के बाद मोहम्मद मोखबर जिम्मेदारी संभालेंगे, लेकिन 50 दिन के अंदर वहां पर राष्ट्रपति का चुनाव फिर से कराया जाएगा। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। इस पूरे मामले से जुड़ी हुई कुछ तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये चार तस्वीरें देखिए, ईरान में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें ईरान के राष्ट्रपति सवार थे। जो टीम रेस्क्यू टीम पहुंची है उसका साफ तौर पर यह कहना वहां की मीडिया के हवाले से भी यही खबर है कि किसी के भी जिंदा होने के कोई संकेत वहां पर नहीं मिल रहे हैं। हेलीकॉप्टर का मलबा मिला है, कुछ लाशें वहां पर हुई हैं वो भी वहां पर मिली हैं। हालांकि वहां का जो मौसम है वो बेहद खराब है, लगातार बारिश हो रही है, कोहरा हो रहा है, इसकी वजह से जो है वो रास्ते के रुकावट बन रहा है वहां का मौसम। राहुल डवास इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राहुल, देखिए जो रेस्क्यू टीम की ओर से जानकारी दी जा रही है वो यही है कि किसी के भी जिंदा होने की कोई उम्मीद, कोई भी यहां पर तस्वीर नजर नहीं आ रही है। आगे क्या कुछ और अपडेट इस मामले में आई है? देखिए निश्चित तौर से जब रेस्क्यू टीम पहुंची और उन्होंने ये कह दिया कि कोई भी जीवित नहीं बचा होगा, तो इसके मायने यही है कि राष्ट्रपति रईसी की मृत्यु हो गई है, वित्त मंत्री की मृत्यु हो गई है, राज्य के गवर्नर की मृत्यु हो गई है, जो मुख्य मुफ्ती हुआ करते थे उनकी भी मृत्यु हो गई है, जो क्रू थे तीन उनके साथ ही, ये निश्चित हो गया है। जिस तरीके से जो मोहम्मद है उपराष्ट्रपति हैं उन्होंने कार्यभार संभाल लिया है, तो इसका मतलब यही है कि कोई भी शक व शुबा नहीं बचा है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जो हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उस एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ हो सकता है। तो इसके पीछे पांच तरह की थ्योरी आ रही है। पहली है, जिस तरीके से हमने सीडीएस विपिन रावत की स्थिति देखी थी कि बहुत बार हेलीकॉप्टर, क्योंकि Mi-17i की बात करें जिसे Mi-771 भी कहा जा रहा है, वो 70s के डिजाइन है, बेहद पुराना था, तो क्या एक प्राकृतिक कारणों से ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ। दूसरा, आर्मेनिया और भारत के अच्छे संबंध है, भारत की तरफ से पिनाका जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है वो भेजा गया था आर्मेनिया के पास, अजरबैजान के बॉर्डर के पास ये सब कुछ हुआ था, तो क्या इसमें आर्मेनिया अजरबैजान एंगल हो सकता है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जहां यह हादसा हुआ है वो कुर्दों का इलाका है, कुर्दिस्तान की मांग पुरानी चल रही है, तो क्या जो रेबल ग्रुप है, जो आतंकी संगठन ईरान के अंदर से ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि तेहरान से 600 किलोमीटर की दूरी है, 18-19 घंटे के आसपास हो चुके हैं, क्या वो एक एंगल हो सकता है। चौथे एंगल की बात करें तो उसमें यूक्रेन आता है, क्योंकि यूक्रेन को TB2 ड्रोन से काफी आहत हुए हैं, जो TB2 ड्रोन ईरान की तरफ से दिए गए थे। और पांचवा सबसे बड़ा कारण है वो मोसाद की तरफ भी इशारा देता है कि मोसाद ने क्या इसके पीछे कोई एक साजिश हो सकती है। आने वाले कुछ घंटे बेहद क्रूशल होंगे, क्योंकि ईरान के सोर्सेज बता रहे थे कि 10 दिन से लेकर 15 दिन के अंदर जब ईरान चाहेगा वो न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, और उससे पहले अगर राष्ट्रपति की बात करें और उसके साथ वित्त मंत्री नहीं रहते हैं, हादसे में उनकी मौत हो जाती है, साजिशन हत्या हो जाती है, तो एक बड़ा संकेत है, बड़ा मैसेज है, ना सिर्फ मिडिल एशियन कंट्रीज के लिए बल्कि पूरे के पूरे ग्लोब के लिए, क्योंकि अगर नेवल ब्लॉकेड भी किया जाता है तो उसका असर से हिंदुस्तान भी अछूता नहीं रहने वाला। जी राहुल, आप अजरबैजान का जो एंगल बता रहे थे, खबर यह भी है कि जिस वक्त ये क्रैश हुआ है अजरबैजान प्रांत के गवर्नर भी इसी हेलीकॉप्टर में मौजूद थे जो क्रैश हुआ है, उनका भी कोई अभी तक कोई जानकारी उनके बारे में भी नहीं मिल पाई। निश्चित तौर से उनके गवर्नर थे, क्योंकि दोनों देशों के बीच में एक डैम बनाया गया, उस डैम का उद्घाटन कल हुआ था, आज उन्हें आर्मेनिया जाना था। अगर राष्ट्रपति रईसी की बात करें तो उनका कार्यक्रम था आज आर्मेनिया जाने का, लेकिन आर्मेनिया वो नहीं पहुंच पाए। तो अजरबैजान और आर्मेनिया की जो वॉर चल रही है उसके पीछे एक बड़ा एंगल बताया जा रहा है, क्योंकि खास बात यह है कि भारत के अच्छे संबंध की बात करें वो आर्मेनिया के साथ है, लेकिन जो हथियार है इसराइली हथियार वो अजरबैजान को कई बार मिल चुके हैं, और इसराइल एक तरह से चेकमेट करने के लिए जो उत्तरी सीमा है, कुर्दिश इलाका है, वहां पर अजरबैजान की फोर्सेज का इस्तेमाल लगातार करता रहा है। जी
इब्राहिम की मौत के बाद खबर यह भी है कि रईसी की जगह मोहम्मद मोखबर 50 दिन तक, जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है तब तक वो जो है इसकी जिम्मेदारी संभालेंगे। क्या कुछ आने वाले दिनों में ईरान के लिए हालात बन सकते हैं राहुल? देखिए, उनके अगर धर्मगुरु की बात करें, सुप्रीम लीडर की बात करें, तो सुप्रीम लीडर अभी सुरक्षित हैं। उनकी सुरक्षा को लेकर भी हमारे जो सूत्र बता रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। सुप्रीम लीडर किसी से मुलाकात नहीं कर रहे हैं। 50 दिनों का टाइम ब्लॉक दिया गया है, टाइम पीरियड दिया गया है जिसमें दोबारा से राष्ट्रपति के चुनाव होंगे। लेकिन आने वाले 2 से 3 दिन बेहद क्रूशल होने वाले हैं, क्योंकि अगर कहीं यूक्रेन का, कहीं मोसाद का, जो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसके पीछे हाथ आता है, अगर अमेरिका के इंटेल का हाथ आता है, अगर FBI की बात करें, CIA की बात करें, तो निश्चित तौर से पूरी जो यहाँ के समीकरण है, यहाँ की रणनीति है, वो बदलने वाले हैं। क्योंकि पहले ईरान देख चुका है कि आप इजराइल को अटैक करोगे तो आपके इजराइल के अटैक को नाकाम कर दिया जाएगा, बैलिस्टिक मिसाइल से भी, क्रूज मिसाइल से भी। तो क्या वो जो मेन स्ट्रेट है, जो चेक पॉइंट है, वहां से शिप्स को रोक सकते हैं जिससे तेल का निर्यात पूरे दुनिया में किया जाता है, जिसमें इंडिया और चाइना मेन इंपोर्टर है? तो निश्चित तौर से पूरी देश की, दुनिया की अर्थव्यवस्था और पूरी दुनिया की रणनीति इस समीकरण से बदलती हुई हो सकती है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत की खबर सामने आई है। क्रैश साइट पर रेस्क्यू टीम को हेलीकॉप्टर का मलबा मिल चुका है। हादसे में सभी लोगों के मारे जाने की आशंका है। हादसे की जगह पर राहत बचाव टीम को कुछ डेड बॉडीज भी मिली हैं। हेलीकॉप्टर में ईरान के विदेश मंत्री भी सवार थे। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है। कल रविवार को ईरान के जुल्फा में रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। इस हेलीकॉप्टर में ईरान के राष्ट्रपति रईसी के साथ विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्लाहियन भी सवार थे। समाचार एजेंसी AP की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की सरकारी TV का कहना है कि राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में किसी के जीवित बचे होने की संभावना नहीं है। ईरानी रेड क्रिसेंट सोसाइटी के अध्यक्ष ने इसकी पुष्टि की है कि बचाव और खोज टीमों ने राष्ट्रपति रईसी के दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर की पहचान कर ली है। आपको बता दें कि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ले जा रहा हेलीकॉप्टर रविवार को उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब वो पड़ोसी देश अजरबैजान से लगी सीमा पर एक बांध का उद्घाटन करके लौट रहे थे। ईरान के मीडिया में बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर ने देश के उत्तर में स्थित पूर्वी अजरबैजान प्रांत में हार्ड लैंडिंग की है। इब्राहिम रईसी के साथ हेलीकॉप्टर में ईरान के विदेश मंत्री और पूर्वी अजरबैजान के गवर्नर मलिक रहमती और अन्य लोग सवार थे। हेलीकॉप्टर की तलाश में बड़े पैमाने पर बचाव और खोजी अभियान चलाया जा रहा है और इसी अभियान के बाद ये पुष्टि हुई है कि अब रईसी की मौत हो गई है। जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इब्राहिम रईसी की दुखद मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर सुप्रीम लीडर की मंजूरी मिलने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। ईरान संविधान 50 दिनों के भीतर नए राष्ट्रपति का आदेश देता है। आपको बता दें कि क्रैश की इस घटना से पूरी दुनिया हैरान है। इस घटना पर PM मोदी ने X पर पोस्ट के जरिए संवेदना भी प्रकट की थी, साथ ही इब्राहिम रईसी की जल्द से जल्द सकुशल वापसी की कामना भी की थी। कल रात करीब 10:45 पर PM मोदी की ये पोस्ट सामने आई थी जिसमें उन्हें ईरानी लोगों को हिम्मत रखने की सलाह भी दी थी। वहीं जहां पूरी दुनिया इस हादसे के बाद चिंता और दुख जाहिर कर रही है, वहीं ईरान के राष्ट्रपति के साथ हुए हादसे पर इसराइल के धर्मगुरुओं ने खुशी जाहिर करते हुए इसे ईश्वर का न्याय बताया है। ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर 19 मई रविवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया। रात भर चले अभियान के बाद अभी हालिया अपडेट आ रहा है कि रईसी की मौत हो गई है। उनके साथ हेलीकॉप्टर पर ईरान के विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहीन भी मौजूद थे, जहां एक और पूरी दुनिया इस हादसे के बाद चिंता और दुख जाहिर कर रही है, वहीं ईरान के राष्ट्रपति के साथ हुए हादसे पर इसराइल के धर्मगुरुओं ने खुशी जाहिर करते हुए इसे ईश्वर का न्याय बताया है। इसराइल के अनेकों रबियों ने ईरानी राष्ट्रपति के हेलीकॉप्टर हादसे को ईश्वर का हस्तक्षेप बताया है। दरअसल ईरान की सरकार इसराइल को अपना कट्टर दुश्मन बताती रही है।
और यहूदी देश को दुनिया से खत्म करने का अपना इरादा खुलेआम जाहिर करती रही है। इसी सोच के चलते इजरायली धर्म गुरुओं की ऐसी प्रतिक्रिया आई है। एक इजरायली मीडिया पोर्टल के अनुसार इजरायल के रब्बी मीर अबू तबूल ने एक फेसबुक पोस्ट में रईसी को तेहरान का जल्लाद बताया और इजरायल व यहूदी लोगों के प्रति उनके विरोध के लिए उनकी निंदा की। अबू तबूल ने रईसी के लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हुए लिखा, ये यहूदियों को फांसी देना चाहता था, इसलिए ईश्वर ने उन्हें और उनके पूरे इसराइल से नफरत करने वाले दल को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में नष्ट कर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि यह हादसा ईश्वर की सजा का एक रूप है। इसी तरह एक अन्य रब्बी नीर बेन आर्टजी ने इस घटना को ईश्वर की नाराजगी बताया। फेसबुक पोस्ट में उन्होंने कहा, खुद पर दया करो, ईश्वर ने कहा कि बहुत हो गया, तुमने उन्हें नाराज कर दिया है। वहीं एक और यब्बी ने भी सोशल मीडिया पर इसी तरह के विचार साझा किए, जिसमें रईसी की तुलना बाइबल के खलनायक हमान से की गई। उन्होंने फेसबुक पर लिखा, दुष्ट हमान हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। उन्होंने आगे लिखा, ईश्वर को धन्यवाद दो क्योंकि वो भला है, उसकी दया सदा बनी रहती है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को ले जा रहा हेलीकॉप्टर रविवार को उस समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया जब वे पड़ोसी देश अजरबैजान से लगी सीमा पर एक बांध का उद्घाटन कर रहे थे। ईरान की मीडिया में बताया गया है कि राष्ट्रपति रईसी के हेलीकॉप्टर ने देश के उत्तर में स्थित पूर्वी अजरबैजान प्रांत में हार्ड लैंडिंग की है। रईसी के साथ हेलीकॉप्टर में ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियन और पूर्वी अजरबैजान के गवर्नर मलिक रहमती और अन्य लोग सवार थे। हेलीकॉप्टर की तलाश में बड़े पैमाने पर बचाव और खोजी अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन रात भर के बाद भी रईसी और उनके साथ रहे लोगों का कोई पता नहीं चल पाया है।